Hello guys, welcome back to my channel. So here I am with the new video of all about Amazon haul. So recently I have ordered something for my home. कुछ decor से related है, कुछ organization से related मैंने चीजें मंगाई हैं और कुछ चीजें मेरी personal भी हैं. तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ एक collective haul share करती हूँ. तो I hope आपको ये video पसंद आएगा. अगर पसंद आएगा तो please मेरे channel को like करें, share करें, subscribe करें. तो चलिए आज का video start करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले मैंने मंगाया है ये ऑर्गेनाइजर था. मुझे अपनी ज्वेलरी के लिए काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी एक अच्छा ऑर्गेनाइजर. तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कंपार्टमेंट मिल जाते हैं जहाँ पे मैं सारी की सारी अपनी इयररिंग्स को संभाल सकती हूँ. ये नेक पीसेस को रखने के लिए पीछे भी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे नेक पीस रख सकते हैं. और यहाँ पे अभी देखिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है नीचे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा पीस लगा. अगर आप देख रहे हैं अपनी इयररिंग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, नेक पीसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा है. इसका जो प्राइस है मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, तो सबके प्राइस सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं. सेकेंड प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं वो है ये ऑर्गेनाइजर. मुझे अपने कपड़े वगैरह के लिए, जो मैं डेली यूज के लिए नहीं करती हूँ, कभी कभार पहनती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं. तो ये 250-300 का ही है, इससे ज़्यादा का प्राइस नहीं है और 3 का पैक है. तो ये बहुत अच्छा, मतलब आपका ऑर्गेनाइजर आप कपड़ों के लिए आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो यस, इसी की तरह मैंने 2 और मंगाए हैं अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, जो कपड़े डेली यूज में नहीं होते हैं, जो कभी कभार हम पहनते हैं कभी फंक्शन वगैरह के लिए. ओके गाइस, इसकी हम अगर चेन की बात करें, इसका जो ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है और इसकी जो जिप है ना वो भी काफ़ी स्ट्रांग है. तो इसकी जिप भी बहुत अच्छी है, आपको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं. तो आप देखेंगे मैंने अपने विंटर के क्लोथ्स भी यहाँ रखे हुए, विंटर में ही यूज होते हैं, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. तो इसकी चेन भी बहुत अच्छी है, सिप क्वालिटी इज वेरी गुड और आपके काफी सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं. तो ये है सेकंड वाला मेरा बैग ऑर्गेनाइजर, जिसमें आप रख सकते हैं कपड़े. आप देखेंगे इसे मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हुए, न्यूबॉर्न वाले कपड़े इसमें रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ हस्बैंड के कुर्ते पजामे हैं वो रखे हुए हैं. तो इस तरीके से आप अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. जो चीजें बार बार यूज में नहीं आ रही आप उनको इस तरीके से बैग में रख सकते हैं. इससे क्या होंगे की वो मैसी भी नहीं रहेगा और कपड़े भी आपके ऑर्गेनाइज. ओके, तो थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है वो है ये भी काफी अच्छे ऑर्गेनाइजर है. ये है जेपी प्लस ब्रांड का और क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. और ये टोटल 3 बॉक्सेस थे जो मुझे मिले थे. ये सबसे छोटा वाला है और ये सबसे बिग साइज है और एक और इसका बॉक्स है वो अभी अंदर है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ. बट टोटल 3 बॉक्सेस मुझे मिले थे और विद लिड मुझे ये मिले हैं. और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कपड़े वगैरह रखे हैं, इसमें मैंने अपनी मेकअप का सामान रखा है. सो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं बॉक्सेस में. इसमें आप अपनी किचन के आइटम भी रख सकते हैं. इस तरीके के ऑर्गेनाइजर आपकी चीज़ों को, आपकी लाइफ को इजी कर देते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजर भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट बाय है मेरा ये मैंने किचन के लिए मंगवाया है. तो ये है मेरा किचन ऑर्गेनाइजर. यहाँ पे आप जो किचन की प्रिल हो गया और भी जो आपका लिक्विड जो भी आप यूज करते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं, ब्रश यहाँ पे रख सकते हैं. और यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है हैंगर, जो आप किचन के लिए कपड़ा यूज करते हो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं. गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये. आप सोच रहे होंगे ये क्या है. सो ये है पॉलीबैग डिस्पेंसर. आप अपनी पॉलिथीन्स वगैरह यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो और आपको नीचे यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है रैप प्लस का रीडिफाइनिंग फूड रैपिंग. आप इसमें अपनी चपातियाँ अच्छे से रैप कर सकते हैं, आपके फूड को काफी टाइम तक फ्रेश रखता है. और रोटी का कपड़ा और ये सब यूज करना नहीं चाहते आप ऑयल वगैरह, तो आप ये यूज कर सकते हैं. माइक्रोवेव सेफ है, इको फ्रेंडली है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने किचन के लिए और काफी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाई थी. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट होम डेकोर के लिए क्या मंगाया. ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये. तो ये मैंने बेल मंगाई है अपने मंदिर के लिए. ये इसको आप मंदिर में लगाओगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, आपके मंदिर को बहुत अच्छा लुक देगा, अट्रैक्टिव लुक बनाएगा. ये 2 पेयर है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी.
गाइस मैंने नेक्स्ट जो मंगाए हैं वो मंगाए हैं बुद्धा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुद्धा जो होते हैं शांति के प्रतीक होते हैं, तो ये है फर्स्ट क्यूट से बुद्धा जी। बहुत ही सुंदर बुद्धा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे ये बुद्धा बहुत अच्छे लगे तो मैंने फटाफट से इसको अमेजोन से मंगा लिया। सो गाइस नेक्स्ट बुद्धा है ये। तो ये बैठे हैं बौद्धा जी। तो ये दोनों ही बौद्धा बहुत अच्छे हैं और प्राइस रेंज भी इनका बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केट से लेंगे तो वहाँ आई थिंक आपको ये कॉस्टली मिलेगा, अमेजोन में मुझे ये अच्छे प्राइस में मिल गया है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस माय नेक्स्ट बाय इज दिस क्यूट वाज फ्रॉम इको स्टी। तो ये बहुत क्यूट से हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ये फ्लावर्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर हैं जो इसको काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। और ये ओवरऑल जो पूरे रूम को है ना बहुत ही अच्छा फ्रेश लुक दे रहा है। तो मैंने इसको अपने हॉल के लिए मंगाया है। सो गाइज मेरे जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है काफी सारे वॉल स्टिकर जो मैंने अपने घर के लिए मंगाए हैं, क्योंकि मेरे घर में ना काफी सारी सीलन भी है किसी किसी एरिया में, तो वो बहुत ही गंदा लुक देता था। तो उसको बदलने के लिए मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए वॉल पेपर मंगाए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से वॉल पेपर मंगाए हैं। एक जो वॉल पेपर है वो मेरे बैक में लगा हुआ है ये, तो ये जो है ओवरऑल मेरे रूम को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। गाइस सो सेकंड वॉलपेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, बटरफ्लाईज ऑर्डर करी थी ऑनलाइन तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। गाइज इन सारे ही प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। प्राइसेस मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी रैंडमली ये सब चीजें मंगाई हैं तो मुझे इस तरीके से याद नहीं है, बट इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे तो आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।